हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आपका ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी अगर गर्मियों में है तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे चीज़ों की सावधानी पहले ही बरतना चाहिए, क्योंकि ये सावधानियां आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, ख़ास करके गर्मियों में सावधानियां आपको बरतना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, गर्मी के मौसम में बहुत ऐसे महिलाओं में दिक्कत हो जाता है, जो ख़ास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि खाना खाने का मन नहीं करना, पानी, शरीर में पानी की कमी हो जाना, आपको बहुत इनएक्टिव फील होना, एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत थकान सा रहना, ऐसे बहुत दिक्कत उनको देखने को मिलता है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, गर्मियों में अगर आपका ड्यू डेट है, आपका डिलीवरी है, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप में नॉर्मल डिलीवरी का जो चांसेस है बहुत कम हो जाएगा, और आपको सीजरियन ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। सबसे पहला, गर्मियों में सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लोग गर्मियों में बहुत कम पानी पीते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी बेबी को भी आपको थ्रू पानी मिलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, आप हाइड्रेट रहे। यानी कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, नारियल पानी, आप लाइक वाटरमेलन, नारियल पानी, जूसेस, आप ये सब ताक ये सब पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं कर रहा है तो ये पीजिए, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत कॉमन बात हो जाता है। बहुत पेशेंट ये बताते हैं कि उनके बच्चे का मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो पानी पीते नहीं है। तो आप अगर ऐसा गलती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। दूसरा दोस्तों, गर्मियों का सीज़न ख़ास करके बहुत ज़्यादा पसीना, चिपचिपाहट से भरपूर रहता है, और ख़ास करके जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनको और ज़्यादा ये परेशान करता है। तो गर्मियों के सीज़न में आप एक्टिव रहिए, आप छोटा मोटा काम करते रहिए, जिससे कि आपको ये चिड़चिड़ाहट सी नहीं होगा, आप बहुत एक्टिव फील करेंगे। नहीं तो आप डिलीवरी के टाइम में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहकर भी कर नहीं पाएंगे। अगला जो आपको क्या ऑब्जर्व करना है दोस्तों, आपको फास्ट फूड, जंक फूड से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, आपको अवॉइड करना है गर्मियों में। खास करके दोस्तों प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, आपको बहुत फास्ट फूड, जंक फूड खाने का बहुत मन करता है, ये कॉमन बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका मुंह का टेस्ट बदल जाता है, तो आपको अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। तो आप फास्ट फूड, जंक फूड, इस पर ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाता है घर के खाने छोड़ के, तो आप ये सब चीज़ें ना खाइए, जितना हो उतना आप घर का खाना खाइए। और मैं पहले ही बताई हूँ आपको, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि अगर पानी कम पिएंगे तो आपका बच्चे का मूवमेंट कम होगा, और इसकी वजह से आपको ना चाहकर भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। अगला दोस्तों, हर वक्त आप खाना खाने के बाद, यानी कि नाइट टाइम में खाना खाने के बाद आपको वॉक लेना चाहिए, 20 से 30 मिनट, यानी कि आपको जितना बन पा रहा है आपसे, लगभग 10 मिनट तो आपको वॉक लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको गैस, एसिडिटी इनका दिक्कत नहीं होता है। और वॉक लेने से आपका बच्चा भी बहुत हेल्दी रहता है, वो भी एक्टिव रहता है, वो भी घूमता फिरता है। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें हैं, अगर आप गर्मियों में, आपका डिलीवरी है, आपका ड्यू डेट है, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।